हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में और साथ ही कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। तो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक हमें 9.68 रुपीज़ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और आज भी स्टॉक में हमें एक 5% की अपर सर्किट देखने को मिल रही है। जहाँ रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो स्टॉक में जो तेज़ी का जो सिलसिला है वो तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिलते हुए नज़र आ रहा है। जहाँ पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने अराउंड 21% के रिटर्न्स दिए और वही बात करें पिछले 1 महीने की तो पिछले 1 महीने में स्टॉक ने अराउंड 13% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई जो कि अराउंड हमें 28 रुपीज़ के नियर बाय देखने को मिल रहा है और रिसेंटली स्टॉक में जब एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी जिसके चलते काफ़ी इन्वेस्टर्स ने क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन में ऊपर के लेवल से अपनी होल्डिंग बनाई है, जिसके चलते स्टॉक में जिन्होंने भी ऊपर के लेवल से अपनी होल्डिंग बनाई होगी फिलहाल तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई से अराउंड 60% डाउन में हमें देखने को मिल रहा है और हाल ही में स्टॉक में जो कंटिन्यूसली यहाँ पे अपर सर्किट लग रही है जिसके चलते फिर से एक बार जो मार्केट एक्सपर्ट से या कई ऐसे चैनल से जो आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं या जो आपको बड़े बड़े टारगेट्स इसके ऊपर देते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कई ऐसे चैनल्स भी है जो आपको ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्रेसेंडा आपको फिर से 20 रुपीज़ के टारगेट्स दिखा सकता है, 30 रुपीज़ के टारगेट्स दिखा सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों के बाद स्टॉक में आपको फिर से एक बड़ी डाउनफॉल देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। जहाँ पे रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक में ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट देखने को मिल चुकी है, स्टॉक में ऑलरेडी हमें एक अच्छी खासी बाइंग ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, जिसके चलते आने वाले 1 या 2 दिनों के बाद जब भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें फिर से लोअर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिले। तो फिलहाल जहाँ तक मुझे लगता है जिनको भी फिलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है उनको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब स्टॉक के रिगार्डिंग रिसेंटली कुछ बड़ी अपडेट्स को यहाँ पे कवर करें और जैसे कि आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट और स्टॉक में कंटिन्यूसली लोअर सर्किट के इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि रिसेंटली सेबी बार्स ने एक नोटिस इशू किया था क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन के खिलाफ, जहाँ पे सेबी बार्स को ये लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से फ्रॉड मैनेजमेंट है और साथ ही सेबी बार को ये भी लगता है कि उन्होंने कई बार स्टॉक के प्राइस के साथ मैनिपुलेशन भी किया है, जिसके चलते आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली अपर सर्किट भी देखने को मिलता है और कई बार स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट भी देखने को मिलता है और ये आज से नहीं, स्टॉक में हमें काफ़ी लंबे समय से देखने को मिलता है। और जैसे कि आपको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था फिलहाल इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में ऊपर के लेवल से फंसे हुए और फिलहाल उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे सेबी बार्स को ये भी लगता है कि कंपनी ने कई बार ऐसी बोगस न्यूज़ ऐसी बोगस सेल्स और साथ ही कंपनी अपने जो क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पोस्ट करती है उसमें भी कई ऐसे बोगस नंबर पोस्ट किए। तो फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो ये तो स्टॉक के लिए एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ें चल रही है और इसी के चलते मैं आपको स्टॉक से फिलहाल दूरी बरकरार रखने के लिए बोल रहा हूँ। एक तरफ फिलहाल तो देखा जाए तो स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी तो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिली, स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट भी देखने को मिले, लेकिन अक्सर हमने देखा है ऐसे पेनी स्टॉक्स में जो ऑपरेटर्स होते वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते जिसके चलते स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट भी लगाते हैं, जिसके चलते कई ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस अपर सर्किट में आके स्टॉक में अपनी होल्डिंग भी बना लेते और जैसे ही स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती तो ऑपरेटर्स होते वो तो स्टॉक से ऑलरेडी एग्जिट कर लेते, लेकिन फंसता कौन है, इसमें फंस जाते पब्लिक और वो ऊपर के लेवल से ऐसे फंसते कि स्टॉक में जो आपका एवरेज प्राइस है उसे आने में 1 या 2 साल भी लग जाते। तो फिलहाल ये कुछ ऐसे मेन रीजन से जिसके चलते मैं आपको बोल रहा हूँ फिलहाल आपको क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन से दूरी बरकरार रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रेसेंडा रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।